ये तस्वीरें सूरत शहर की है, जहां ये सुरक्षा कर्मी इस जगह पर नियम भंग न होने का जिम्मा उठाए हुए हैं। तो जरूर यहाँ कोई कीमती चीज होगी या फिर कोई खास मेहमान पहुंचे होंगे जिनकी सुरक्षा में ये बल तैनात है। लेकिन इस तस्वीर की सच्चाई तो कुछ और ही है। गेट के बाहर पहरा दे रहे ये सुरक्षा कर्मी तो एक स्मशान घाट पर मुस्तैद है। आपके मन में स्मशान घाट पर सुरक्षा बल की तैनाती को देखते हुए कई सवाल उठ रहे होंगे। आखिर स्मशान घाट पर पहरा क्यों? किस चीज को छुपाने की कोशिश की जा रही है? ये पहरेदारी सावधानी या फिर सच को छुपाने की साजिश है? तो आपको ये बता दें कि ये सिक्योरिटी गार्ड सूरत महानगर पालिका के हैं और ये तस्वीर है सूरत के अश्विनी कुमार स्मशान घाट की। अमूमन शहर के हर स्मशान घाट पर ऐसा ही माहौल है, जिसमें कुरुक्षेत्र स्मशान घाट और रामनाथ घेला स्मशान घाट भी शामिल है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सूरत शहर में हर दिन कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, जिसके चलते प्रशासन पर यह आरोप लग रहा है कि शहर में हो रही मृत्यु के आंकड़ों को छिपाने की साजिश के तहत पहरा लगवाया गया है। इस बात की तह तक जाने के लिए गुजरात तक के संवाददाता ने महानगर पालिका के कमिश्नर बंचानिधि पानी से बातचीत की। तब उन्होंने सवाल को ऐसे टाला जैसे उनको इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। सूरत में कोविड 19 के संक्रमण और उसके चलते हो रही मौत के आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन द्वारा उठाए गए इस कदम से कहीं ना कहीं शक की बू आ रही है। सूरत से संजय सिंह राठौर की रिपोर्ट, गुजरात तक।